मैंने सोचा कि मुझे ये स्टंट करना है। पहले तो मुझे लगा मैं कैसे करूँगी इसे, कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा जब एंजल जो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है जो वो कुछ कर सकती है, द मैन ऑफ सोनम, तो फिर मैंने सोचा कि एंजल भी तो मैंने ही प्ले किया था, तो क्यों ना मैं एंजल के स्टाइल में ये स्टंट करके दिखाऊँ। अगर ये लोगों को अच्छा लगा और लड़कियों को लगा हाँ दिस इज समथिंग हटके, तो शायद वो इस स्टंट को करने की कोशिश करे और शायद साड़ी भी पहन ले। आजकल हम देखते हैं कि जो नई सेलिब्रिटीज जो आजकल इंस्टाग्राम पर छाए रहते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ अलग चीज़ करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अलग चीज़ पहनना है। ये तो आपको कैसे ऐसी जगह मतलब आपको साड़ी पहन के करना पड़ेगा बोल दो। सी इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ तो सबको पब्लिसिटी चाहिए शॉर्ट ड्रेसेस से। सबको लगता है कि अटेंशन आप एक्चुअली उसी से ले सकते हो जब आप शॉर्ट कपड़े पहनोगे। वो उनका उनकी सोच है, वो जिस तरीके से जैसे वो पब्लिसिटी लेना चाहे, बट मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा वो सब तो वो कर ही रहे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस तो पहन ही रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। साड़ी पहन कर बाइसिकल चलाना, ये स्टंट करना, ये किसी ने नहीं किया। सो दिस इज़ समथिंग हटके जो मैं करूँ और उससे हटके मैं करूँ। सो इसलिए मैंने ये सोचा। मुझे ना वो भेड़ चाल नहीं चलनी थी एक्चुअली, तो वो भेड़ चाल को तोड़ना था मुझे, ये था। मैंने एक वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है रोहतक सिस्टर, उसमें एक स्कूल की लड़की बनी हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और दूसरी मैंने एक फिल्म की है तिगड़म, तो ये दोनों बस पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, देखो कब रिलीज़ होती है, जल्दी रिलीज़ होगी एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इतना लव और सपोर्ट करने के लिए। आपकी वजह से एंजल इतना परफॉर्म कर पाई क्योंकि आपने सपोर्ट किया। जब जब मैंने कमबैक किया तब तब लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, एंड फिर मुझे कमबैक उनके हिसाब से मिलता रहा। सो यस थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। और ये प्राइड मंथ है, ये मंथ जो प्राइड मंथ है, और मैंने एक LGBT कैरेक्टर प्ले किया था, तो सभी LGBT कम्युनिटी को मैं बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखो, आपका जो आप चाहते हो लाइफ में वो सब आपको मिले। आ रही थी लेकिन वो डेट्स का थोड़ा क्लैश हो रहा था, बिकॉज़ मैं रोहतक सिस्टर की मैंने डेट्स ऑलरेडी दे दी थी, तो वो डेट्स मैच नहीं हुई थी, तो फिर बस उतना। बट दे आर वेरी नाइस लोग, उन्होंने कहा था कि आगे शूट कर लो लेकिन डेट्स नहीं मिल पाई। थैंक यू वेरी मच।